हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से तीन अहम मांगें उठाते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। इस संदर्भ में जिला मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान संघ ने प्रवक्ताओं को पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द सरकार से पूरा करने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर ने प्रदेश के अन्य राज्यों के प्रवक्ताओं को मिल रहे वेतन के आंकड़े रखते हुए प्रदेश की जयराम सरकार से पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ताओं को भी वेतन जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहां के प्रवक्ताओं को भी पंजाब की तरह न्यूनतम 47,000 रुपए वेतन देने की अपील पूरी की जाए। सुरेंद्र पुंडीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार प्रवक्ता संघ की मांगों पर जल्द गौर करेगी। तीन मुद्दों को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है रिवाइज पे स्केल का। अगर मैं पर्टिकुलर लेक्चर्स की बात करता हूं तो सारे, अगर यहां पे केंद्रीय सेंट्रल स्कूल्स की बात करें, 47,600 का स्केल उनका जाता है लेक्चर्स का। हम उत्तराखंड की बात करते हैं 47,000 का, ये गवर्नमेंट के डेटा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें वहां 47,600 का बेसिक है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, वहां 47,000 का बेसिक है, पंजाब 47,000 का। तो हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पैटर्न को लागू किया जाता आ रहा है। अब भी हमारी डिमांड यही है कि लेक्चरर्स को 47,000 पे मिनिमम फिक्स किया जाए एट पार विद पंजाब। दूसरा हमारा पुरानी पेंशन स्कीम से रिलेटेड इश्यूज था, बड़ा क्लियर डेटा गवर्नमेंट का, हम गवर्नमेंट के ध्यान में लाना चाहते हैं। ये आरडीए के इंफॉर्मेशन है, 5,819 करोड़ गवर्नमेंट का एनएसडीएल के पास है। सरकार खुद मान चुकी है कि 5,000 की लायबिलिटी रहती है अगर पुरानी पेंशन को हिमाचल पे लागू किया जाता है। इसको लागू करने के ऊपर भी सरकार 819 करोड़ के बेनिफिट में है। सालाना खर्च की अगर हम बात करें, लगभग 1100 करोड़ एनएसडीएल के पास एनुअली जा रहा है, 1,06,000 एम्प्लॉयज का जो हिमाचल प्रदेश के एनपीएस में आते हैं, और उस 1100 करोड़ में से लगभग 450 करोड़ की लगभग एम्प्लॉय शेयर है और एम्प्लॉयर शेयर बनता है 650 करोड़। तो सरकार खुद विधानसभा में मान चुकी है कि 500 करोड़ का एनुअल बोझ पड़ने वाला है, उसे भी रिड्यूस करके यानी लगभग 150 करोड़ के प्रॉफिट में अगर पुरानी पेंशन हिमाचल में बहाल की जाए। तीसरा हम लोगों का मुद्दा था एसएमसी टीचर्स का। हिमाचल प्रदेश में खासतौर से अगर मैं जिला सिरमौर की बात करूं, जिला सिरमौर में अधिकतर स्कूल आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ एसएमसी टीचर्स के सहारे चल रहे हैं। ये टीचर्स पिछले 15-20 साल से कंटिन्यूसली सर्विसेज दे रहे हैं, 12-12 साल से, 14-14 साल से। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए पॉलिसीज फिक्स की जाए। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन तीनों कंसर्न्स पे, बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं एसोसिएशंस के और एम्प्लॉयज के, इन तीनों पे जल्दी से गौर किया जाए और सरकार इनकी ओर सिंपैथेटिकली कंसीडरेशंस पे करें।